होने की खबर आ रही है, क्या सच्चाई है इस मामले में, थोड़ा ब्रीफ कर दें। देखिए, विपक्ष की बैठक से इसको कोई लेना देना नहीं। हमारा महासंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चल रहा है और हमारे कार्यक्रम जिस दिन कार्य समिति हम लोग की हो रही थी उसी दिन हम लोगों ने आपको बताया था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार का दौरा आप करें और इस महासंपर्क अभियान में लगभग सम्मति हमें प्राप्त हुई है कि उनका मिलेगा। अब डेट फिक्स होता है तो मैं बताऊंगा। जून में एक संभावना है सर आने की, जून महीने में? अब तो 30 जून तक ही हमारा कार्यक्रम है ना, तो इसी बीच में उनका कार्यक्रम लगभग तय होगा। ममता बनर्जी मिसाल बना रहे हैं और महागठबंधन के लोग इसको 9 साल बुरा है, कोई 9। अब देखिए, अब स्वाभाविक है, कुछ रोने वाले लोग होते हैं, रुदाली टाइप का राजस्थान में कंसेप्ट है, कुछ लोग रोने वाले तो रोने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। कि आप समझिए कि बिहार के बजट का 76% भारत सरकार के नरेंद्र मोदी जी देते हैं और तब ये रोते हैं, तब क्या हो सकता है। जदयू एजेंसी का हवन करते हैं, कहते हैं कि अब करना ही चाहिए। देखिए, हवन तो सनातन का प्रतीक है, अच्छी बात है, हवन करना चाहिए लेकिन अच्छे कार्य के लिए करना चाहिए। 5 जून से महागठबंधन की ओर से धरना प्रदर्शन करेंगे 9 साल बेमिसाल को लेकर, तो इस महागठबंधन को कैसे देखेंगे? ये करना चाहिए, जिनका विचारधारा स्वाभाविक है, जो जेपी सरदे जेपी के आंदोलन से जो लोग जन्मे हों और वो यदि कांग्रेस में गोद में खेल रहे हैं तो इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा इस देश के लिए। ममता बनर्जी ने खुलकर कांग्रेस का समर्थन कर कहा है कि केंद्र में वो कांग्रेस के साथ हैं और 12 तारीख की बैठक में वो पटना भी आएंगे। तो हम कहां मान रहे थे कि वो भाजपा के साथ है, तो है ही उनके साथ, इसमें कहां दूंगा। सारे लोग मिल जाते हैं, देखते नहीं, ये चुनाव होता है ना, सीपीएम का खाता खुलता है और ना कांग्रेस का खाता खुलता है, सब लोग समर्थन ही करते हैं, तो नया कौन बात आप बता रहे हैं। शिक्षकों के ग्रेड का बहाली, एकदम ये दुर्भाग्यपूर्ण वाला निर्णय है बिहार सरकार का। आप पुराने शिक्षकों के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों को 80,402 बच्चों को जिनको इन्होंने तय किया था कि हम पक्की नौकरी देंगे, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।